अरे लगता है ड्रोन क्रैश हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक ड्रोन की। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Walking around in the circle of life, doing the things I know. तो गाइस, इस ड्रोन का नाम है ड्रोन्स क्वाडकॉप्टर, और इसमें आप लोग को 1 की टेक ऑफ, 1 की लैंडिंग, हेडलेस मोड, गायरोस्कोप और ऑल्टीट्यूड होल्ड मिल जाएंगे, और ये सारे चीज़ हैं। और इस ड्रोन की एज लिमिट है वो है 14+। तो कुछ इस तरीके का लगता है ये बॉक्स। तो चलिए इसको जल्दी से ओपन करके देख लेते हैं। तो ये रहा ऐप का यूज़र मैनुअल और ये ड्रोन का यूज़र मैनुअल, इसे रखते हैं साइड में। अब मेन चीज़ हम लोग का ड्रोन। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ड्रोन कुछ इस तरीके का लगता है। इसमें आप लोग को फोल्डेबल आर्म्स मिल जाएंगे जिससे आप लोग ऐसे खोल सकते हैं। और ये रहे इसके प्रोपेलर गार्ड्स। तो गाइज ये है ड्रोन की कुछ एक्सेसरीज। इसमें आप लोग को फ़ैन मिलते हैं, और फिर ये है एक USB कनेक्टर जो कि ड्रोन की बैटरी को चार्ज कर देगा। तो गाइज ये रहा रिमोट। इसमें आप लोग को कुछ इस तरीके से इसका एंटीना ओपन कर सकते हैं, और इसमें आप लोग को स्पीड स्विच मोड मिल जाएंगी, 3 speed modes और 3D flip, और इस ड्रोन में आप लोग को फाइन ट्यूनिंग मिल जाएंगी, और 1 की टेक ऑफ, 1 की लैंडिंग, हेडलेस मोड, गायरो कैलकुलेशन, 1 की रिटर्न, एमरजेंसी स्टॉप, ये सब फंक्शन आपको इस ड्रोन में मिल जाएंगे। और ये है इसका मोबाइल होल्डिंग कंपार्टमेंट। तो मैं बताता हूँ कुछ इस तरीके से मोबाइल यहाँ पे आप लोग होल्ड करके ड्रोन का फुटेज आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका जो आर्म्स है वो अनफोल्ड कर लेते हैं। अब प्रोपेलर अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोपेलर अटैच कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा प्रोपेलर अटैच हो गया। तो गाइस कुछ इस तरीके का लगता है ये ड्रोन। तो इसकी बैटरी आपको बैक साइड पे मिल जाएंगी। कुछ यहाँ पे इसका लॉक होता है, कुछ इस तरीके से आप इसका लॉक ओपन कर सकते हैं। तो ये रही इसकी बैटरी। जो इसकी बैटरी है वो 1000 mAh की है। जो कंपनी रिकमेंड करती है वो है इसकी चार्जिंग टाइम अराउंड 1 आवर, और इसका फ्लाइट टाइम है वो अराउंड 10 मिनट्स है। तो ये रहा इसका चार्जिंग पोर्ट। तो चलिए अब इस ड्रोन को अपने रिमोट से पेयर करके दिखाते हैं आप लोग को। तो गाइस इस प्राइस रेट में आप लोग को मिल जाता है एक कैमरा जो कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ड्रोन का ऑन ऑफ का स्विच आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार लॉन्ग प्रेस करते ही ये ड्रोन स्टार्ट हो जाता है, और रिमोट का भी यही है। आप लोग को एक प्रेस में, तो हम लोग का रिमोट स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसको पेयर करते हैं। तो बस आप लोग को थ्रॉटल अप और थ्रॉटल डाउन, इसकी लाइट जो ब्लिंक करना ऑफ हो जाएगी, तो इसका मतलब ये ड्रोन पेयर हो चुका है। और जैसे ही हम लोग थ्रॉटल अप करेंगे इसकी फ़ैन ऑन हो जाएंगी। तो गाइस चलिए अब इस ड्रोन के कैमरा को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना वाईफाई ऑन करें। वाईफाई ऑन करते ही आप लोग को एक वाईफाई नेम आ जाएगा, FYDUFO। तो इसको जस्ट कनेक्ट कर लीजिए आप। फिर आप इसका ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर यहाँ से ऐसे ओपन करते ही ये ड्रोन हम लोग का कनेक्ट हो चुका है। देखिए जब आप इस ड्रोन को अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो आप लोग को ये फंक्शन मिल जाएंगे जिससे आप इमेज कैप्चर कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और इमरजेंसी स्टॉप भी है। और ये रहा इसका जॉयस्टिक।
तो गाइज ये रहा फैल्कन ड्रोन। अगर आप लोग ने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो आईकार्ड पे लिंक आ गया होगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को इन दोनों के बीच में कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब इन लोग का थ्रॉटल फुल थ्रॉटल पे इसका पावर चेक कर लेते हैं। तो गाइस चलिए अब हम लोग ड्रोन को 1 की टेक ऑफ से टेक ऑफ करते हैं और फिर मैं आप लोग को ये कैसे फ्लिप मारता है वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने ड्रोन को काफ़ी दूर भेज दिया, अराउंड 100 मीटर या उससे भी दूर, लेकिन तब भी इसकी कनेक्टिविटी कहीं से भी लॉस नहीं हुई है और ये काफ़ी स्टेबल फ्लाई कर रहा है। नाउ एंजॉय द सिनेमैटिक शॉट्स इन 3, 2, 1। टेबल फ्लाई कर रहा है इसलिए क्योंकि इसमें मैंने थर्ड मोड लगाया है। अगर जब कभी भी आप आउटसाइड फ्लाई करते हैं तो विंड के अकॉर्डिंग इसका मोड सेट करके फ्लाई करें, जिससे आपका ड्रोन काफ़ी स्टेबल फ्लाई करेगा। तो गाइस जो अब आप फुटेज देखने चाह रहे हैं वो ड्रोन के कैमरा से रिकॉर्ड हुई है। तो गाइस जो ड्रोन का कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है जो कि आपको 480p पे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप इसे डे लाइट में शूट करते हैं तो मतलब ठीक है, अच्छा है, मगर आप इसे लो लाइट में जब शूट करेंगे तो आपको इतना अच्छा फुटेज प्रोवाइड नहीं करेगा। और इस प्राइस रेट में इस ड्रोन के कैमरे का स्टेबिलिटी एवरेज है। तो गाइस इस ड्रोन की रेंज की बात कर ली जाए तो ये अराउंड सामने की तरफ दूर की तरफ जा रहा है 100 मीटर, और हाइट की बात कर ली जाए तो हाइट में भी काफ़ी ऊपर तक जा रहा है। तो गाइस इस प्राइस रेट में ये ड्रोन काफ़ी अच्छा है, और फिर इसका का फुटेज मैंने अटैच कर दिया है, और फिर इस प्राइस रेट में ये वर्थ इट है।
तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ड्रोन काफ़ी हाइट पे जा चुका है लेकिन तब भी बहुत स्टेबल फ्लाई कर रहा है। अगर आप लोग को ये ड्रोन अच्छा लगा और बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो कर लीजिए, आईडी हैंडल डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।